हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में स्वागत है। आज हम उपमा की रेसिपी बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी मूंगफली के दाने, कड़ी पत्ता, मिर्ची, अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, कटी हुई पत्ता गोभी, कटी हुई प्याज, मटर के दाने, कुछ टमाटर कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी, एक कटोरी सूजी, पानी ज़रूरत के हिसाब से और तेल। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसमें मूंगफली के दानों को फ्राई करेंगे। दाने फ्राई हो चुके हैं, अब उसी तेल में हम राई डालेंगे, राई को चटकने देंगे। अब उसमें कड़ी पत्ता, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, उसको एक मिनट तक भूनेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। हमारी प्याज गुलाबी होने लगी है, अब इसमें एक एक करके हम सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां हम बच्चों को इस प्रकार खिला सकते हैं। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट तक मसालों के साथ चलाना है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। मूंगफली को हमें इस तरह से क्रश करना है। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी, उसी की कटोरी से हमें 2 कटोरी पानी लेना है। इसे हमें 5 मिनट तक ढककर रखना है और इसे फिर हम सर्व करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।